मन रोमांचित है, मन खुश है। शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, ये हम लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। कई जन्मों में एक बार किसी को मौका मिलता है कि ऐसा समय मिले और जाकर के आप इस दिन को देखें। नो डाउट मोदी जी धन्यवाद के अधिकारी हैं। इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री होकर के भी, और इस देश में कई महापुरुष हैं, कई महापुरुष हुए हैं, तब भी उन्होंने उनका नाम याद रखा। मन बहुत प्रसन्न है, शरीर रोमांचित है। जिस तरह मेरा मन प्रसन्न है, शरीर रोमांचित है, उसी तरह बिहार 15 करोड़ की जनता और पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ की जनता उसी तरह रोमांचित है। मन खुश है उन लोगों को कि जो स्पीड ब्रेकर था जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, जब सत्ता मिली 2.5 वर्षों में, तो उस स्पीड ब्रेकर को तोड़ने का काम किया और दबे कुचले को आगे बढ़ाने का काम किया। तो मन रोमांचित है, मन खुश है और शरीर प्रफुल्लित है। मैं जिस तरह मेरा मन खुश है, उसी तरह आज पूरे हिंदुस्तान की जनता को जो दबले कुचले हैं उनका मन प्रफुल्लित है। वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन 36 वर्ष के संघर्ष के बाद बिहार के मुख्यमंत्री भाई नीतीश कुमार जी ने हरेक पार्टी के सम्मेलनों में, वार्षिक सम्मेलनों में, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मदिवस के अवसर पर, पुण्य तिथि के अवसर पर, वो बराबर भारत सरकार से मांग करते रहे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। आज उसी 23 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें भारत रत्न देकर भाई नीतीश कुमार जी का और दबे कुचले लोगों को मन प्रसन्न करने का काम किया। इसलिए मैं अपनी तरफ से, बिहार की जनता की तरफ से, और खासकर समस्तीपुर जिला ओल्ड दरभंगा कमिश्नरी की तरफ से उन्हें बधाई देता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, मतलब शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। ये हम लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण है, हम बिहार वासियों के लिए, सिर्फ परिवार के लिए नहीं, ये पूरे बिहार वासियों के लिए ऐतिहासिक क्षण है कि पूरी जनता ने, पूरे भारतवासी ने हमारे दादा के विचारों को स्वीकार किया है। ये बहुत बड़ा पल है हम लोगों के लिए और बहुत खुशी की बात है कि हम लोग मतलब उनके परिवार से बिलोंग करते हैं, उनके से आए हैं, और ये बहुत ही अच्छा समय है। बहुत हम लोग बहुत खुश हैं, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत खुश हैं हम लोग। नो डाउट वो बहुत ही, मतलब ये जो चीज़ अवार्ड मिला है वो उसके लिए, मतलब कि सच में ये उसके लिए है कि उन्होंने ये सोच के, दादा के विचारों को सोच के, और वो अवार्ड दिया है उनको। तो नो डाउट मोदी जी धन्यवाद के अधिकारी हैं, और फिलहाल और क्या बोले, और बस यही है कि वो सच में धन्यवाद के हम लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ा काम किया है हम बिहार वासियों के लिए, कि उनके विचारों को अपनाया, मतलब ये किया, उनके विचारों को समझा है और दिया है उनको। सबसे ज्यादा खुशी का दिन है आज। मैं तो कहता हूँ कि ये कई जन्मों में एक बार किसी को मौका मिलता है कि ऐसा समय मिले और जाकर के आप इस दिन को देखें, या जितना मेहनत किया है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने, अपनी पूरी जिंदगी दी है समाज को, गरीबों को, और उस चीज को आज पूरा देश, पूरा विश्व माना है, और आज इसीलिए अलंकृत किया जाएगा। बहुत ही खुशी की बात है। सभी सरकारों ने भारत रत्न देने की मांग रखी, लेकिन पीएम मोदी के जी के नेतृत्व में मिल रहा है। पीएम मोदी को दो शब्द अगर कहना चाहें। कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को अपने आवास पर, पूरे परिवार को आमंत्रित किया था। हम लोग गए थे वहां पर, तो उन्होंने बताया कि यह निर्णय उनका था, यह अवार्ड देने का आइडिया भी उनका था। तो सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा कि उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, और यह कह सकता हूँ कि यह उनके भाग्य में था कि जननायक को भारत रत्न की उपाधि उनके हाथों से मिली, निर्णय उनका रहे।
उनके शासनकाल में, उनके शासनकाल में मिले और उनका निर्णय है और निर्णय भी उनका ही था। ये सबसे गर्व की बात है कि उन्होंने इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री होकर के भी, और इस देश में कई महापुरुष हैं, कई महापुरुष हुए हैं, तब भी उन्होंने उनका नाम याद रखा, नाम याद किया और फिर यह निर्णय लिया। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, धन्यवाद। श्री कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत उनके पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर। राष्ट्रपति मोदी।